यदि आप भी अपनी बिरयानी को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाना चाहते हो तो आप अपने बिरयानी के अंदर ये बिरयानी मसाला डाल के देखिए और आपकी जो बिरयानी है उसमें 4 चांद लग जाएंगे। तो इस बिरयानी के मसाले को बनाने के लिए पहले आपको चाहिए 3 से 4 बेलीफ यानी कि तेज़पत्ता। यदि आप बड़ी साइज के तेज पत्ते का इस्तेमाल कर रहे हो तो 2 तेज़पत्ता काफ़ी रहेंगे। तो इस तेज पत्ता को पहले हम इस तरह से तोड़कर एक पैन में ट्रांसफ़र करेंगे। अब इसी के साथ हमें इसमें ऐड करनी है 5 से 6 लाल मिर्च। तो ये मैंने तीखी वाली लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, लेकिन यदि आप चाहते हो कि आपकी जो बिरयानी का मसाला है वो उतना तीखा ना बने तो फिर आप कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप एक और चीज़ कर सकते हो कि ये जो मिर्च के बीज होते हैं उसको आप निकाल लीजिए ताकि ये जो मिर्च है ये उतनी तीखी ना लगे। अब इन दोनों को हमें स्लो फ्लेम पर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए सेकना है। इसको हमें बहुत ही ज़्यादा देर तक नहीं सेकना है, इसको बस हम तब तक सेकेंगे जब तक ये जो तेज पत्ता है इधर से कड़क नहीं हो जाता। आज तो हम ये बिरयानी का मसाला बना रहे हैं, लेकिन आपको और कौन से मसाले की रेसिपीज़ देखनी है ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइएगा ताकि मैं आपके साथ वो सारी रेसिपीज़ जल्द से जल्द शेयर कर सकूँ। चलिए ये अच्छे से सेक चुका है तो इसे हम किसी भी एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे ताकि ये ठंडा होता जाए। तो अब आपको चाहिए 2 बड़ी चम्मच साबुत धनिया यानी कि कोरिएंडर सीड्स। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा, 1 बड़ी चम्मच कैरावे सीड्स जिसको हम शाही जीरा या फिर शाह जीरा कहते हैं। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच सौंफ यानी कि फेनल सीड्स, 8 से 10 हरे इलायची यानी कि छोटे इलायची, 2 से 3 बड़े इलायची यानी कि काले इलायची। फिर मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ सिर्फ आधा नटमैग यानी कि जायफल। आपको पूरे जायफल का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि उसका जो फ्लेवर है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 12 से 15 काले मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर। इसी के साथ इसमें जाएगा 1 छोटी चम्मच क्लव्स यानी कि लौंग, 2 से 3 चक्रा फूल यानी कि स्टार एनीस, 2 जावेत्री यानी कि मेस, 2 से 3 सिनेमन स्टिक जिसको हम दालचीनी कहते हैं, और फिर इसमें जाएगा 2 से 3 स्टोन फ्लावर जिसको हम दगड़ फूल या फिर पत्थर के फूल या बिरयानी के फूल भी कहते हैं। और अब सबसे आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच अनारदाना। अब इन सारे खड़े मसालों को हमें स्लो फ्लेम पर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए सेकना है, या हम इसको तब तक सेकेंगे जब तक इसमें से बहुत ही बढ़िया सी खुशबू नहीं आने लगती। एक बात का ध्यान रखें कि आपको इस मसालों को स्लो फ्लेम पर ही सेकना है। यदि आप इसको हाई फ्लेम पर सेकने जाओगे तो ये कहीं से अगर जल जाएंगे तो फिर जो आपके मसाले का टेस्ट है वो उतना अच्छा नहीं आएगा। इन खड़े मसालों को हम इसलिए सेक रहे हैं ताकि इसमें जो भी मॉइस्चर है वो चला जाए और फिर इसे ग्राइंड करने में हमें काफ़ी आसानी हो, और इसको इस तरह से सेकने से ये जो मसाले की शेल्फ लाइफ है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है। बीच बीच में आप इस मसाले को चलाते भी रहिएगा ताकि ये कहीं पर जल ना जाए। चलिए तकरीबन 5 मिनट हो चुकी है और अब इसमें से काफ़ी बढ़िया सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इस खड़े मसाले को हम किसी भी एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे ताकि फटाफट से ठंडा हो जाए। जब ये मसाले पूरी तरीके से ठंडे हो जाए उसी के बाद आप इसे एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करिए और फिर इसको ग्राइंड करके हमें इसका एक पाउडर बनाकर रेडी करना है। चलिए जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो पाउडर है ये बनकर रेडी हो चुका है, तब हम इसमें कुछ और मसाला ऐड करेंगे। तो पहले इसमें जाएगा 1/4 छोटी चम्मच हल्दी यानी कि टर्मरिक, 1 बड़ी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है जिससे कि इसमें एक अच्छा सा कलर आ पाए। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच गार्लिक पाउडर यानी कि लहसुन का पाउडर और 1 बड़ी चम्मच ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि सॉल्ट। तो अगर आपको ये जानना हो कि ये ड्राई जिंजर पाउडर और गार्लिक पाउडर कैसे बनाया जाता है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा, मैं उसकी भी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब बस हमें इसको एक आखिरी बार ग्राइंड करना है। तो लीजिए, हमारा एकदम ही टेस्टी बिरयानी का मसाला बनकर रेडी हो चुका है। ये बनाने में जितना आसान है ना उससे कई ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। तो अगली बार से आप भी अपने बिरयानी के अंदर ये बिरयानी मसाला डाल के देखिए। अगर आपको ये जानना हो कि इस बिरयानी मसाले का इस्तेमाल करके आप एकदम ही टेस्टी बिरयानी कैसे बना सकते हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा, मैं बिरयानी की रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा।